आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी हेलो नमस्कार। जी नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? उमा शंकर रावली से बोल रहा हूँ मैडम जी। जी सवाल कीजिए मैडम जी। हमारे मैडम जी हमारे जी थर्टी पिक्चर हो गई थी तो हमने ऑपरेशन भी मैडम जी करवाया है। मैडम जी चल नहीं पाते हैं। समझ गया साल हो जी, एक बार दोबारा से बता दीजिए, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पाई है। जी मैं चोट खा रहा, 7 साल हो गए चोट खा रहा थी, थर्टी का ऑपरेशन कराया था। जी आपकी हड्डियों में तकलीफ है, घुटनों का ऑपरेशन कराया है, चल नहीं पाते हैं और इनका यहाँ पे घुटनों में चोट लगी हुई है, एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा बेटा देखो, क्लियर नहीं हुआ सवाल आपका, क्लियर हो जाए तो यह हमारी तरफ से आपको फोन आ जाएगा या आप दोबारा कर लीजिए। देखिए नस्खा तो मैं बता दूंगा लेकिन अगर क्लियर नहीं हुआ, मैं मुझे इत्मीनान नहीं हुआ तो कैसे करूं? तो आप फ़ोन कर लीजिए या हमारी तरफ से आपको फ़ोन आएगा। हमारे डॉक्टर को हिदायत है जो हमारे पास एक बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं कि अगर हमें कोई फ़ोन करे और अगर उसकी मिस कॉल भी आ जाए तो हम उसका हाल जाने, पूछें कि किस लिए फ़ोन किया, या जिसकी हमसे बात नहीं हो पाती क्योंकि हम 30 एक फ़ोन ले पाते हैं एक घंटे में 35, और क्योंकि हज़ारों कॉल आते हैं तो बाकी से हमारे डॉक्टर्स बात करते हैं। हमारी तरफ से फ़ोन आएगा, आप पूरी तफसील उन्हें बता दीजिए तो हम आपको मदद कर पाएंगे। चलिए तो अगले कॉलर हैं नीलम चंडीगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है नीलम आपका। नमस्कार। जी नमस्कार। मैं हकीम साहब से पूछना चाह रही थी, 15 साल से मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, मेरे 3 बच्चे हुए थे और मैं ना ये सिलसिला लगातार 15 साल से चल रहा है। घुटनों में तकलीफ है, कमर में भी है क्या नीला? नहीं कमर में नहीं, घुटने टीयर है दोनों में, 3rd ग्रेड की। और मैंने आपका वो गोंदसिया मंगवाया, 1 महीने से खा रही हूँ, थोड़ा आराम था लेकिन मैं गिर गई, फिर से बहुत ज्यादा पेन है मेरे को, अब एडियो में भी बहुत ज्यादा पेन है दोनों में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए गोंदसिया आपने मंगा लिया, आराम भी शुरू हो गया। अब मुझे यकीन हो गया कि ये अगर आपने 100-200 ग्राम लिया है तो ये ख़त्म होने से पहले आप अच्छी हो जाएंगी, लेकिन गिरना मना है। गिरेंगे बार बार तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप बहुत एहतियात करें और गोंदसिया जारी रखें। ये दर्द अपनी जगह से हटना शुरू हो गया, एड़ियों तक में आ गया है, वहाँ से निकल के आप ठीक हो जाएंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद हो गई है। बस वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत मत करिए, वज़न बिल्कुल मत उठाइए, और वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में होना ही चाहिए। तो ये 200 ग्राम गोंदसिया ख़त्म होने से पहले आपका फ़ोन आएगा कि आपको ऊपर वाले ने बिल्कुल अच्छा कर दिया। चलिए तो आप बहुत बेहतर हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत स्वस्थ हो जाएंगी, जैसे कि पहले भी आपने वो उपचार अपनाया जो हकीम साहब ने आपको यहाँ पे बताए थे। लेकिन एक बार फिर से आप गिर गई तो आपको थोड़ी सी तकलीफ और हो रही है, लेकिन बातों का ध्यान रखिए जो हकीम साहब ने अभी आपको यहाँ पे बताए हैं। फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से, हमारे साथ प्रीति हैं MP से, स्वागत है प्रीति आपका। हेलो जी। जी मेरे ये जोड़ों में बहुत दर्द है, घुटने में खाली, और जलन बहुत होती है। तो उससे नीचे बैठ के मतलब उठना मुश्किल हो जाता है। अच्छा कब से है और कितनी उम्र है प्रीति आपकी? ये डॉक्टर साहब मतलब हो गए, पहले तो धीरे धीरे होता था, तो 6-7 साल हो गए, अब लगातार 2-3 साल से है, और जलन कुछ ज्यादा ही होती है, बहुत ज्यादा घुटनों में। ठीक है बेटा, उम्र कितनी है? ठीक है, देखिए हमारी मजबूरी है कि हम महिलाओं से उनकी उम्र पूछनी नहीं चाहिए, बहरहाल हमारी मजबूरी है। देखिए बेटा आप को देखो 3-4 महीने हमें देने चाहिए, जब 3-4 साल आपने दूसरे पैथियों को दिए तो 3-4 महीने हमें दीजिए, और वो भी ऐसे कि
10-12 रुपए रोज की दवा मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी एक रॉ मटेरियल है, असली ले लीजिए। जैसे अभी एक बच्ची का फ़ोन आया था कि उसने खाया वो ठीक हो गई और फिर गिर पड़ी, तो गिरना बिल्कुल मना है। देखो गोंद स्याह एक गोंद है, गोंद बहुत तरह के आते, कई सौ तरह के, तो गोंद स्याह यानी काला गोंद एक कड़वे किस्म का एक गोंद आता है जो 10-12 रुपए रोज का पड़ता है खुराक में। ये 100-200 ग्राम खरीद लीजिए और पाउडर बनाइए, फिर चने या मटर के बराबर गोलियां बना लीजिए या ऐसी खा लीजिए, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम। तो ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपका ठीक होना मुमकिन है। कभी दर्द हो तो ये दर्द की दवा नहीं है, ये मर्ज़ की दवा है, धीरे धीरे फ़ायदा करेगी, 8 दिन बाद फ़ायदा करेगी, शुरू थोड़ा थोड़ा सा। वो भी आपको दर्द हो तो दर्द की दवा ले सकते हैं कोई भी जो आप लेते हैं, ये आपको अपने वक्त पर जाकर फ़ायदा करेगी। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं, मनीष हैं बदायूं से हमारे साथ, स्वागत है मनीष आपका। चलिए आपसे संपर्क हमारा लगता है टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। सुनीता जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी आदाब। मोटापा बहुत ज्यादा है। जी कितनी उम्र है, कितना वजन है, कितना कद है आपका, लंबाई कितनी है? 40 साल उम्र है, 5 फुट कद है, 105 वजन है। जी फिर तो ज्यादा है। अच्छा देखिए, बहुत सारे नुस्खे भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन पहले आप अपने आप को तैयार करिए कि आपको आज से अपना वज़न कम करना है। वज़न कर लीजिए और फिर रोज़ाना आपको 5 से 7 बार गर्म पानी पीना है, ये एक इलाज है। ठंडा पानी बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये जो आपका एनिमल फैट है, घी, मक्खन, दूध, इस सब में या गोश्त, मांस मत खाइए। मांस में भी वही है, दूध में भी वही है, एनिमल फैट, और मक्खन में भी वही है, घी में भी वही है। तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ लें। ये बिल्कुल छोड़ दिए। वेजिटेबल ऑयल खाइए और 1/2 चम्मच से कम ज़ीरा जो आपके किचन में है, 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी अजवाइन और 1 चम्मच धनिया, ये सब साबुत लीजिए, 2 गिलास पानी में पकाइए, आधा जल जाए तो पी लीजिए, फिर इसे रखिए, फिर शाम को फिर आप इसको उबाल के पीजिए। ये शुरू कर दीजिए, 1 महीने में 3 किलो के करीब वज़न कम होता है। 1 घंटा पैदल भी चलना है आपको रोज़ाना घड़ी देखकर, आज से शुरू करिए, अगले महीने फ़ोन करिए, आपको पता चलेगा कि आपका 3 किलो के करीब वज़न कम हुआ। तो देखिए आपका वज़न धीरे धीरे करके कम हो जाएगा सुनीता, लेकिन आपको ये कार्य करना होगा जो हकीम साहब ने आपको बताए हैं। बहुत ही गंभीर बात है कि आपकी जो हाइट है सिर्फ 5 फुट है और आपका 105 किलो वज़न बढ़ा हुआ है, तो तुरंत ही आप ये उपचार करना शुरू कर दीजिए। ये घरेलू नुस्खे अपना के देखिए और एक एक बात का आपको ध्यान रखना होगा। कॉपी पेन लेके दर्शकों, इसलिए ही आप लोगों को कहा जाता है कि आप एक एक बात नोट डाउन कर लें, एक वीडियो क्लिप अपने टीवी के माध्यम से बना लीजिए, जिससे कि आप बार बार सुन पाएं कि आपको हकीम साहब यहाँ पे क्या कुछ नुस्खे बता रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर हम बात करें अतिया हर्ब्स की, तो ये एक ब्रांडेड कंपनी है और 500 से भी ज्यादा इसकी फ्रेंचाइजी देश भर में है। चलिए कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका अशोक। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। कल ब्लड स्टोन है मैम, 13 mm का। आपको स्टोन है? कहाँ पर है, गुर्दे में या? नहीं, गाल ब्लड में। ठीक है। अच्छा देखिए, गाल ब्लैडर का स्टोन तकरीबन नहीं निकलता है। एक नुस्खा बता रहा हूँ आपको, उससे अगर निकल जाए तो 3 दिन आप उसे लेकर देख सकते हैं, वरना इसका ऑपरेशन ही होता है, क्योंकि उसका गॉल ब्लैडर का सुराग बहुत छोटा होता है। किडनी में कितना भी बड़ा पत्थर हो तो उसको निकल ही जाता है यूनानी दवाओं से। देखिए, जैतून का तेल और जैतून का सिरका 3-3 चम्मच लें और इसे मिक्स करके पिएं,
और साथ में खूब सारा पानी पिए। ऐसा निहार मुंह रोजाना 3 दिन करना है और 1-2 दिन और भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर निकलना होगा तो इससे निकल जाएगा, वरना आप अपनी पूरी जांच करा के रखिए, कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत हो सकती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से, जावित्री जी हैं अलवर से हमारे साथ, स्वागत है जावित्री आपका। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, आदाब। मैं अलवर से बोल रही हूँ, अलवर राजस्थान से। मेरे मेरे घुटनों में बहुत दिन से दर्द है जी, और मुड़ते नहीं है घुटनों बिल्कुल ही जी। उम्र बताइए और ये बताइए कितने दिन से है और कितना वजन है आपके अंदर? मेरा वजन 65-70 के बीच में है। और तकलीफ कब से है? 15-20 साल होगी। ठीक है। अच्छा देखिए, आयुर्वेद और यूनानी तो बदनाम है कि बहुत देर से इलाज होता है, लेकिन 15 साल से आप एक इलाज कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा। 5-6 महीने आप यूनानी को, आयुर्वेद को दीजिए। देखिए, सौंफ, जीरा, अजवाइन और काला गोंद, फिर लिख लीजिए और बोलता हूँ क्योंकि बहुत से लोग लिख रहे होंगे, सौंफ, जीरा, अजवाइन और गोंद सियाह, यानी काला गोंद। गोंद सियाह मुश्किल से मिलेगा, नकली बहुत मिलता है, आप होशियारी से लेना। इनका पाउडर बनाएं, 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम, खाने के बाद पानी से या बगैर चर्बी के दूध से या जूस से अगर आप ये लें। ये सब 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाना है। ये 6 चीज़ें, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और गोंद सियाह, 5 चीज़ें हैं। इनको आप ख़त्म होने से पहले आपका दर्द ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है लक्ष्मी फरीदाबाद से हमारे साथ, स्वागत है लक्ष्मी आपका। हाँ जी, बताइए, सवाल कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार, आदाब। मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ जी। मेरे मेरे सर्कल वाय है, सर्वाइकल है आपको जी। ये गुद्दी के ऊपर है, जो ये ऊपर नार से ऊपर ये नस दुखती है बहुत और चक्कर आते हैं। ठीक है, मैं समझ गया लक्ष्मी जी, और कुछ कहना है? और मेरे शुगर की बीमारी भी है। अच्छा देखिए, दोनों रोग आपके कंट्रोल में आ सकते हैं, और आप गौर से मेरी बात सुनना। देखिए, आपको रोज़ाना, एक तो ये, आप चाहें तो मेरी क्लिप बना लें और ऐसे मोड़े से इसे लगाना है और 2 मिनट ही एक्सरसाइज करनी है कम से कम, या इससे ज़्यादा रोज़ाना बिला नागा, और 2 मिनट ऐसे 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 2 मिनट, मैं कहता हूँ 2-2 मिनट दोनों एक्सरसाइज। आप 4-4 मिनट भी करें, चाहे 4 किस्तों में करें, इंस्टॉलमेंट में करें, तो जितनी जितनी करेंगे इतना ही फ़ायदा होगा। और ये एक्सरसाइज करनी है आपको, और 10वें दिन आपको फ़ायदा लगेगा। 8 या 10वें दिन आपको रोग ऐसा लगेगा आधा या पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन आपको बिल्कुल भी रोकनी नहीं है, आपको महीनों करनी है एक्सरसाइज, ये याद रखें आप। और शुगर के लिए आप एक सिरका आता है, जैतून का सिरका रोज़ाना, वो गोलियां भी खाइए आप अपनी जो खाते हैं, 2-3 चम्मच 1 गिलास पानी में छोटे चाय के चम्मच डालिए और पानी डालिए और उसे पी लिया करिए रात को सोते वक्त, तो आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में आएगी। अपनी पुरानी दवा भी ना छोड़ें, अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो तो अपनी पुरानी दवा की पोटेंसी अपने डॉक्टर के मशवरे से कम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉलर है श्याम है दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है श्याम आपका। हेलो जी, नमस्कार। जी जी श्याम जी, आदाब, बताइए। हाँ, आदाब, मैंने आपसे बात की है, दवा ली थी घुटनों के दर्द के लिए।
अच्छा, कौन सी दवा ली थी? एसकेएल की। जी जी मुझे फायदा ज़्यादा नहीं हुआ। कितना फायदा है, कितने दिन से आप लेते? मैं सीढ़ी तो नहीं चढ़ पा रहा हूँ, लेकिन चल पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा, 25% तो फायदा हुआ है। लेकिन कितने दिन से ले? खाई है। एक महीने में 25% फायदा हुआ तो? अरे श्याम जी आप क्या बात कर रहे हैं, एक महीने में 25% फायदा हो गया तो आपके तो मजे आ गए। मैं तो कहता हूँ 10% फायदा होगा और चलना फायदा कब तक हो पाएगा जल्दी? अरे चढ़ पाऊंगा। अरे आप चलने लगे एक महीने में, अगले महीने सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, फिर उससे अगले महीने जीने चढ़ेंगे, फिर बिल्डिंगे चढ़ेंगे। आप सब्र करके इलाज करें। और एस केयर आपने दवा ली है, ये अच्छी दवाओं में से होती है, आप इसका थोड़ा सब्र करें। जहाँ आप बिल्कुल चल नहीं पाते थे वहाँ चलने लगे, ये मेरे लिए बड़ी कामयाबी। हो सकता है आपको मुझसे इत्मीनान ना हो, लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है।